चलिए क्लास की शुरुआत कर रहे हैं और हमने आपको कुछ प्रॉपर्टीज लास्ट क्लास में बताई थी, एडिशन की कुछ प्रॉपर्टीज बताई थी और कुछ प्रॉपर्टीज हमने आपको सब्ट्रैक्शन की बताई थी। बताइए याद है ना कौन कौन सी प्रॉपर्टी बताए थे हम? पहली प्रॉपर्टी थी जीरो प्रॉपर्टी, ठीक है ना। जीरो प्रॉपर्टी, जीरो प्रॉपर्टी का क्या मतलब था? कोई नंबर जीरो में जोड़ा जाएगा तो वही नंबर आएगा, और वही चीज सब्ट्रैक्शन में भी था। सब्ट्रैक्शन में भी अगर हम जीरो कोई नंबर में जीरो माइनस करेंगे तो वही नंबर आएगा। दूसरी प्रॉपर्टी हम कौन से पढ़े थे बताइए? सर ब्लैक बोर्ड साफ नहीं दिख रहा। गौरवेंद्र को ब्लैक बोर्ड साफ नहीं दिख रहा, लाइट जलाओ तो एक बार स्विच ऑफ करके फिर जलाओ, एक मिनट रुकिएगा, सारा एक तक करके देखो कौन सा पर स्विच है लाइट का। नहीं जल रहा ना, खराब हो रहा है। अभी बताइए क्या किसी छात्र को नजर नहीं आ रहा है? ये करके खोल, दिखाई नहीं दे रहा। रुको अभी कर रहे, ऊपर वाला बोलो जो हाँ इसको खोलो खींचो और एक मिनट बस। अभी बताइए अभी नजर आ रहा है? नो सर। क्या गवर्नमेंट को क्या समस्या आ रही है, कैसा दिख रहा है? भूमरा सब दिख रहा है सर। भूमरा सुंदर दिख रहा है तो नेटवर्क प्रॉब्लम है ना, थोड़ा सा बाहर निकलिए, थोड़ा सा बाहर निकलिएगा ठीक हो जाएगा। और किसी को ये समस्या है? भूमिका धुंधला धुंधला दिख रहा है वो सर। भूमिका को अच्छा दिख रहा है। पूर्वी तुमको क्लियर दिख रहा है? यस सर। देखो गौरवेंद्र सारे विद्यार्थियों को क्लियर दिख रहा है, तुम थोड़ा सा आगे पीछे हो जाओ तो नजर आने लगेगा, ठीक है? ठीक है, और थोड़ा सा इंतजार करो नजर आएगा। तो हमने इसके बाद कौन सी प्रॉपर्टी पढ़ी थी कौन बताएगा? जीरो प्रॉपर्टी पढ़ी थी और लीजिए भूल गए आप लोग। दूसरी हमने पढ़ी थी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, पढ़ी थी क्या बताया था मैंने कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी का मतलब? नहीं हाँ हमने बोला था कि अगर सीधा प्लस करें या उल्टा प्लस करें बराबर आएगा, ठीक है। तो इसका मतलब एडिशन में कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होता है और सब्ट्रैक्शन में कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी नहीं होता, क्योंकि हम 4 माइनस 3 करें तो 3 माइनस 4 के बराबर नहीं आएगा। अव्वल तो पहली बात तो ये कि ये तो पॉसिबल ही नहीं है, 3-4 तो हम कर ही नहीं सकते, है ना, क्योंकि हमने बताया था कि मिलियन सब्ट्रैहेंड से क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। जैसे अगर हम 4 में से 3 घटाते हैं इसको हम क्या बोलते हैं? मिलियन, बता चुके हैं सारी बातें। और इसको क्या बोलते हैं? सब्ट्रैहेंड। और माइनस करने के बाद जो आता है उसको क्या बोलते हैं? डिफरेंस। क्या बोलते हैं? जो भूल गए तुम लोग उसको बोलते हैं डिफरेंस। अब प्लस में होता है जैसे अगर 4+3 करें तो इसको बोलते हैं एडेंट। क्या बोलते हैं? एडेंट। ये भी हो गया एडेंट, और जो आएगा उसको बोलेंगे सम। तो क्या बोलेंगे? 7 इज द सम ऑफ 4 और 3, और इसको क्या बोलेंगे? 1 इज द डिफरेंस ऑफ 4 और 3। 1 इज द डिफरेंस ऑफ 4 और 3, और यहां पे 7 इज द सम ऑफ 4 और 3। आ गया बात समझ में? आ गया जितेश? हमारे साथ यहाँ जितेश जुड़े हुए हैं इसलिए हम उनसे यहाँ पे फेस टू फेस वार्तालाप कर लेते हैं, ठीक है। तीसरी प्रॉपर्टी हमने बताई थी, तो हमने बताया था कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी एडिशन में तो होता है
और सब्ट्रैक्शन में नहीं होता। तीसरी प्रॉपर्टी हमने आपको बताई थी वो कौन सी थी बताइए रितेश, रितेश बताइए, पढ़ाई थी। तीसरी प्रॉपर्टी थी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, अगर नहीं पढ़ाई थी तो नोट डाउन कीजिए, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी तीसरी प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी का मतलब क्या होता है कि अगर मान लीजिए एडिशन में हम एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को चेक कर रहे हैं तो 2 + 3 + 5 है मान लीजिए, तो कोई बच्चा इसको पहले जोड़ेगा क्या आया 5 + 5 कितना आया 10 आया, दिख रहा है नीचे दिख रहा है सभी को कि नहीं नजर आ रहा। और उसी तरीके से 2 + 3 + 5 है तो कोई बच्चा 3 + 5 को पहले जोड़ेगा तो क्या आया 2 + 3 + 5 कितना है 8, अभी आया 10, ये दोनों आपस में बराबर आ रहा है। मतलब कि अगर 3 दिया हो तो कोई आदमी 2 को पहले जोड़ के तीसरा जोड़े और कोई लोग जो होंगे वो दूसरा और तीसरा को पहले जोड़ेंगे और फिर उसके बाद उसमें पहला जोड़ देंगे। लेकिन अगर दोनों बराबर आ गया तो इसका मतलब कि उस ऑपरेशन में ऑपरेशन आ चुके हैं, एडिशन एक ऑपरेशन है, सब्ट्रैक्शन एक ऑपरेशन है, मल्टीप्लीकेशन एक ऑपरेशन है और डिविजन एक ऑपरेशन है। तो जिस भी ऑपरेशन में ऐसा हो रहा हो कि 2 को पहले ऑपरेट कर रहे हो, जैसे यहाँ एडिशन है तो 2 को पहले ऐड कर रहे हो फिर तीसरा ऐड कर रहे हो, और या दूसरे और तीसरे को पहले ऐड करें और फिर ऐड पहला ऐड करें, अगर आपस में बराबर आ गया इसका मतलब कि उसके अंदर एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है उस ऑपरेशन के अंदर, अदरवाइज उस ऑपरेशन के अंदर एसोसिएटिव प्रॉपर्टी नहीं है। तो यहाँ पर तो है ऐड में चाहे तुम पहला दूसरा जोड़ के फिर तीसरा जोड़ो या दूसरा तीसरा जोड़ के फिर पहला जोड़ो, हमेशा बराबर आएगा। क्या सब्ट्रैक्शन में ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होगी बताइए, सब्ट्रैक्शन में होगी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, आइए चेक करते हैं। मान लीजिए हमने किया 5 - 3 - 2 और यहां पे लिख दिया 5 - 3 - 2, सभी विद्यार्थियों को दिखाई पड़ रहा है नहीं दिखाई पड़ रहा है तो हमको बताए, दिख रहा है। अब कुछ लोग इसको पहले माइनस करेंगे तो 5 - 3 कितना हो गया 2, -2 करें तो कितना आया 0, ठीक है ना जितेश। और कुछ विद्यार्थी क्या करेंगे इसको पहले करेंगे तो 5 - 3 - 2 करेंगे कितना आया 1, और 5 - कितना आया 4, यहाँ पे देखिए 0 आ रहा है और यहाँ पे 4 आ रहा है, आपस में बराबर नहीं आ रहा है। इसका मतलब कि ये जो ऑपरेशन है सब्ट्रैक्शन ऑपरेशन, इसके अंदर एसोसिएटिव प्रॉपर्टी नहीं होती। मेरी बात समझ में आई कि नहीं, हमको आप लोग आश्वस्त कीजिए बताइए कि आपको समझ आया कि नहीं। सर दोबारा समझा ना, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी दोबारा समझा दे। देखिए एसोसिएटिव प्रॉपर्टी का मतलब यह होता है, हम फिर से बता देते हैं कोई बात नहीं, सारे छात्र फिर से समझ कोई बात नहीं, लेकिन ये थोड़ा नीचे लिख रहे हैं हम, अगर आपको नजर ना आ रहा हो तो वो भी बता दीजिएगा। एसोसिएटिव का मतलब होता है कि मान लीजिए 2 + 3 + 6 दिया है सपोज, तो हम इसमें प्लस है तो हम प्लस वाले ऑपरेशन में एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को चेक कर रहे हैं। कैसे क्या होता है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी कि अगर इसको पहले जोड़ के फिर 6 जोड़े या 3 और 6 को जोड़े फिर उसमें 2 जोड़े दोनों आपस में रहेगा, 2 और 3 को जोड़ेंगे तो 5 और फिर 6 जोड़ेंगे तो 5 6 हो गया 11। अब यहाँ पे देखिए 2 + 3 और 6 को जोड़ेंगे तो आएगा 9 और 2 में 9 जोड़ेंगे तो 11, ये आपस में तो बराबर आ गया। इसका मतलब एडिशन में एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होता है। सब्ट्रैक्शन कौन बीच में बोल रहा है ना बोले म्यूट कर ले। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी सब्ट्रैक्शन में जो हम करते हैं तो अब इसी को देखिए, कोई भी 3 नंबर ले लेते हैं 5 - 3 - 1 5 - 3 - 1। अब कुछ छात्र इसको पहले माइनस करेंगे फिर 1 माइनस करेंगे तो 5 में से 3 माइनस करेंगे कितना आया 2,
फिर टू में से वन को माइनस करेंगे आएगा वन, आया ना। अब यहाँ पे और दूसरे छात्र क्या होंगे, पहले थ्री में से वन को माइनस कर लेंगे, फिर जो आएगा उसको फाइव में से माइनस करेंगे, ठीक है ना नितेश। तो ये फाइव माइनस करेंगे थ्री माइनस में कितना आएगा टू, अब टू को फाइव में से माइनस करेंगे तो कितना आएगा थ्री, और थ्री और फाइव वन और थ्री आपस में बराबर नहीं है, इस हिसाब से एसोसिएटिव प्रॉपर्टी सब्ट्रैक्शन के अंदर तो नहीं, एडिशन के अंदर होती है पर सब्ट्रैक्शन के अंदर नहीं होती है। मेरी बात सारे विद्यार्थियों को समझ में आया कि नहीं, अभी आश्वस्त कीजिए, मुझे बताइए ताकि हम आश्वस्त हो जाएं कि आपको ये बातें समझ आ गई। यस चलिए सर इसको उतारे, इसको आप हाँ उतारिए बिल्कुल उतारेंगे, लेकिन अपने तरीके से, आप अपने सद्बुद्धि से अपनी बुद्धि से इस तरह से उतारे कि आपको याद रहे, जब आप कॉपी देखें तो आपको समझ में आ जाए। क्या जितेश आप कोई और संख्या लिख लीजिए, और अगर आप संख्या नहीं लिखना चाहते तो मत लिखिए, लेकिन खाली नहीं लिख लीजिए ये तीन प्रॉपर्टी, लेकिन ये तीन प्रॉपर्टी देखकर आपको अपनी कॉपी में याद जरूर आ जाना चाहिए सर ने इन तीन प्रॉपर्टी के बारे में क्या बताया था। देखिए सी डब्ल्यू का मतलब ये होता है कि बस आप सी डब्ल्यू का मतलब ये होता है कि आप क्लास वर्क का नोट कर रहे हैं कि आप कॉपी पलट के देखें सर ने क्या पढ़ाया था, तो आपको वो कॉपी देख कर याद आ जाए, बस यही सी डब्ल्यू का मकसद है। अब आप कैसे भी लिख लें, बस ऐसे ना लिखे, इस तरीके से ना लिखे कि आपको कुछ समझ ही ना आए, कॉपी आप अपना कॉपी देखें तो आपको समझ ही ना आए कि मैंने ये क्या लिखा था, ऐसा लिखे कम से कम आपको तो समझ में आए, आई मेरी बात समझ, ठीक है ना। तो आप अपने हिसाब से लिखें, ठीक है, नोट डाउन ना करें, अपने सद्बुद्धि से लिखें जीरो प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी और एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, और ऐसा लिखें कि आपको समझ में आए कि ये प्रॉपर्टी सर ने क्या पढ़ाया था, क्या बताया था। साफ करें, यस सर। चलिए तो हम लोगों ने देख लिया प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, ये हम लोगों ने अभी पढ़ा। अरे एक्सरसाइज कौन सी है, ये आपका चैप्टर है लेसन लेसन नंबर थ्री पढ़ा रहे हैं। अब देखिए एक क्वेश्चन हम आपको बताते हैं, ध्यान दीजिएगा, अगर मैं एक किताब खरीदूं 24 रुपीज का, जितेश ध्यान देना, अगर मैं किताब खरीदूं 24 रुपीज का, ठीक है, अब मान लीजिए वो किताब 24 रुपए का है, ठीक है, लेकिन मेरे पास जो नोट है वो 50 का नोट है, 24 रुपए खुले नहीं है मेरे पास, अरे बात समझ में, जितेश हम दुकान गए और हमको एक किताब लेना है और वो किताब 24 रुपए का है, 24 रुपीज का है, और हमारे पास जो नोट है वो 50 का नोट है, तो हम दुकानदार को 50 का नोट दे देंगे, तो आप बताइए कि दुकानदार हमें कितना रुपया वापस करेगा, जल्दी बताइए। 36 जितेश, ठीक है, जितेश
सर छत्तीस सर छत्तीस छत्तीस जितेंद्र अभी जितेश कर रहे हैं, ठीक है आप लोग सही बता रहे हैं। अरे जितेश जल्दी बताओ, इतना समय थोड़ी लगेगा, इतने में तो तुम्हारा ग्राहक भाग जाएगा। 36 रुपए बच जाएंगे। क्या किया आप लोगों ने, आप लोगों ने 50 में से 24 को क्या कर दिया, रिमूव कर दिया, बाहर कर दिया, माइनस कर दिया, सब्ट्रैक्ट कर दिया। 10 में से 4 गया 6 और 4 में से लो गड़बड़ बताए तुम लोग, 4 में से हो गया 26 को रुपीज 26 वापस करेगा भाई, 36 वाले गलत हैं। 10 में से 4 गया 6, यहां बचा 4, 4 में से 2 गया 2, समझ आया कि नहीं। सभी छात्र जो है एक फ्लो में बता दिए 36 36 36 36 नहीं 26। ये कैरी दे दीजिए सर, 5 ने 4 को हाँ? ये समझ में आया कि नहीं सभी को कि 36 रुपीज नहीं होगा 26 रुपीज सर। तो आप लोग जल्दी जल्दी किया ये आराम से बताइए, ऐसे तो आप लोग बताइए अगर आप दुकान खोल के बैठेंगे तो आप 10 रुपए ज्यादा कमा देंगे, नुकसान कर बैठेंगे आप लोग अपना, ऐसा दुकान चलेगा आप लोगों का? देना होगा आपको 20 रुपया, आप ग्राहक को थमा देंगे 30 रुपया, बताइए ऐसे नहीं काम चलेगा, ठीक है? ऐसे तो आप दुकान को जो है डुबा देंगे पूरी तरह से। चलिए अब हम आपको बताने जा रहे हैं मल्टीप्लीकेशन क्या, ध्यान दीजिए। मल्टीप्लीकेशन के बारे में बताने जा रहे हैं, देखिए मल्टीप्लीकेशन क्या है, मल्टीप्लीकेशन एक रिपीटेड एडिशन है। क्या है मल्टीप्लीकेशन, दिस इज ए रिपीटेड एडिशन। अब इसका क्या मतलब हुआ अभी समझाएंगे, रिपीटेड एडिशन का मतलब क्या हुआ अभी समझाते हैं। मान लीजिए कि आपके पास कुछ डिब्बे हैं, कितने डिब्बे हैं मान लीजिए 6 डिब्बे, मान लीजिए आपके पास 6 डिब्बे, ठीक है, और हर एक डिब्बे में 3 आम रखा हुआ है, तो आप बताइए आपके पास कितने आम रखे हुए हैं, जल्दी जल्दी बताइए। गलत जवाब, बिल्कुल सही, तीन आम आपके पास होंगे। तो एक तरीका तो ये है कि आप 3 को क्या करें, 6 बार जोड़ें, 3 + 3 + 3 + 3 + 3 + 3 ऐसे करके जोड़ें, तो 18 रहेगा उसमें भी, इसमें भी 18 रहेगा। या हम क्या करें 3 को 6 से मल्टीप्लाई कर दें, अगर 3 6 बार मल्टीप्लाई हो रहा है तो 3 6 जाओगे, तो जो नंबर मल्टीप्लाई होता है, जैसे यहां 3 मल्टीप्लाई 3 को हम 6 बार जोड़े ना, तो जो नंबर को हम बार बार जोड़ते हैं उसको कहते हैं, उसको क्या कहते हैं, सब लोग ध्यान से सुनिएगा, उसको कहते हैं मल्टीप्लिकेशन। क्या बोलते हैं, मल्टीप्लिकेशन। और जितनी बार हम उसको जोड़ रहे होते हैं, कितनी बार जोड़ रहे हैं इसको, 6 बार जोड़ रहे हैं, तो वो जितनी बार जोड़ रहे होते हैं वो कहलाता है मल्टीप्लायर, मल्टीप्लायर। और पूरा जोड़ने के बाद या मल्टीप्लाई करने के बाद जो आंसर आता है, जो कि है यहाँ पर 18, उसको हम कहते हैं प्रोडक्ट। क्या कहते हैं बताइए, सारे छात्रों को, सारे विद्यार्थियों और विद्यार्थियों को ये टर्म, ये शब्दावली
समझ आई कि नहीं कि मल्टीप्लिकेंड किसको कहते हैं, मल्टीप्लायर किसको कहते हैं और प्रोडक्ट किसको कहते हैं? बताइए एकदम अच्छे से बताइए, समझ आया है? आ गया ना? अच्छा इसमें एक बात और है, अगर हम इसको ऐसे ना लिख के सिक्स को तीन बार ऐड करते तब भी हमको 18 मिलता, मिलता कि नहीं? ये जानते हैं क्यों हो रहा है? ये इसलिए हो रहा है कि 3 6 जा करें या 6 3 जा करें एक ही बार, इसका मतलब आएगा, इसका मतलब ध्यान दीजिएगा, इसका मतलब मल्टीप्लीकेशन जो ऑपरेशन है वो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को सपोर्ट करता है, वो उसके अंदर कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होता है। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी का क्या मतलब है? अगर हम इसको ऐसे मल्टीप्लाई करें या ऐसे मल्टीप्लाई करें, एडिशन में देखें तो मल्टीप्लीकेशन में कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होता है, एडिशन में होता है, मल्टीप्लीकेशन में होता है, पर सब्ट्रैक्शन में नहीं होता है। इसको लिख लो जल्दी जल्दी, इसको लिख लीजिए अपने तरीके से, मैं बार बार कह रहा हूं अपने तरीके से, आप ऐसे लिखिए कि आपको समझ आए, जब कल को आप अपनी कॉपी खोलें तो आपको समझ में आए, छोटा छोटा करके जो भी बातें हम कहे हैं, जो भी आपको समझ आया है मेरी बातों से वो लिख डालिए। बताइए कोई कुछ पूछ रहा है? अच्छा साइड होने को कह रहे हो, लीजिए साइड हो गए, यही कह रहे थे ना साइड होने को। सर हो गया, हो गया ना? ठीक है जितेश, साफ करें। हो गया सर? हाँ हाँ जितेश यहाँ पे लिख रहे हैं ना, वो अभी साफ करने को मना कर रहे हैं, अभी लिख रहे हैं, तो उनको एक बार लिख लेने दीजिए फिर हम साफ कर रहे हैं। चलिए जितेश का भी यहाँ पर हो गया। अब हम आपको कुछ प्रॉपर्टीज जैसे एडिशन और सब्ट्रैक्शन का बताए थे, वैसे ही कुछ प्रॉपर्टीज मल्टीप्लिकेशन का भी बताएंगे। प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन, ये हम आपको बताने जा रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहली बात जो आप लोगों को पता होगी कि किसी नंबर में जीरो का मल्टीप्लाई करें तो हमको जीरो मिलेगा, मतलब अगर हम 4 को 0 से मल्टीप्लाई करें तो 0 मिलेगा, 0 को 3 से मल्टीप्लाई करें 0 मिलेगा, 9 को 0 से मल्टीप्लाई करें, मतलब कहीं भी अगर 0 आ गया तो इसका मतलब क्या हुआ कि उसका जो प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट होता है ना जो सब जो मल्टीप्लाई करने के बाद आता है उसको बोलते हैं प्रोडक्ट, तो अगर कहीं भी चाहे मल्टीप्लिकेंट में 0 आए चाहे मल्टीप्लायर में 0 आए, इन दोनों में से कहीं भी 0 आ गया तो आपका जो प्रोडक्ट होगा वो 0 होगा। ठीक है जितेश, समझ में आया? बड़ी सिंपल सी बात है, सभी को चांस, कोई ऐसा व्यक्ति जो मेरी बात को नहीं समझ पाया हो? कुछ समझ रही नहीं है तो कुछ समझने वाली बात ही नहीं है कि भाई 0 0 कहीं गया, 0 आ जाएगा। दूसरी बात, किसी भी नंबर को अगर 1 से मल्टीप्लाई करें तो वही नंबर स्वयं
प्रोडक्ट बन के प्रकट हो जाता है। जैसे अगर हम 6 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो हमें 6 ही मिलेगा, और अगर 1 को 6 से करें तब भी 6 ही मिलेगा। तो 1 कहीं भी आ गया, चाहे मल्टीप्लिकेंड में आए चाहे मल्टीप्लायर में आए, अगर दोनों जगहों में से कहीं भी 1 आ गया तो प्रोडक्ट हमेशा वह नंबर होगा। 1 के अलावा जो दूसरा नंबर है वही नंबर प्रोडक्ट होगा। आई बात समझ में? जैसे यहाँ पे 1 के अलावा कौन सा नंबर है 6, तो प्रोडक्ट हो गया 6। वही 1 के अलावा अगर दूसरा नंबर 5 हुआ तो प्रोडक्ट होगा 5। 1 के अलावा अगर यहाँ पर कोई और नंबर है जैसे यहाँ पर 3 है तो प्रोडक्ट होगा 3। आ गई बात समझ में? दो बातें बताएं। पहली बात कि किसी भी नंबर को 0 से मल्टीप्लाई करें या 0 को किसी नंबर से मल्टीप्लाई करें, मतलब कि मल्टीप्लिकेंड या मल्टीप्लायर में से किसी भी एक जगह 0 आ गया तो प्रोडक्ट हमेशा 0 होगा। दूसरी बात बताएं कि मल्टीप्लिकेंड या मल्टीप्लायर में से दोनों में से किसी भी एक जगह 1 हो गया तो जो दूसरा वाला नंबर है वही नंबर प्रोडक्ट होगा। आगे बात समझ में कि नहीं आई? बताइए जितेश, तुम पाई समझ? भूमिका पूर्वी, आप लोग बताइए कि समझ आया बात मिली कि नहीं आई? कुछ बोलते रही हो, बोला करो। yes, आ गई ना कि नहीं आई? हाँ तो बताया yes, करो। एकदम से चुप हो जाते हो, हम एकदम परेशान हो जाते हैं, क्या हो गया? ठीक है, तीसरी प्रॉपर्टी देखिए यहाँ बताया, और वो है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। आइए चेक करते हैं कि क्या सेपरेट मल्टीप्लीकेशन में कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होता है। अभी हम पढ़ाते पढ़ाते बता दिए थे कि मल्टीप्लीकेशन में कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होता है। जैसे हम 6 त्रिज्या करें और 3 सिक्सा करें, आंसर विल बी सेम, दोनों तरफ आंसर जो है सेम ही आएगा, आएगा ना? 6 3 18, 3 6 18। एडिशन में भी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होता है, 4 प्लस 3 करें चाहे 3 प्लस 4 करें, आंसर विल बी सेम 7 इधर भी। पर सब्ट्रैक्शन में कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी नहीं होता है, बता चुके हैं रितेश, बताया ना? तो क्या समझ में आया? ये वाली प्रॉपर्टी जो है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, एडिशन में तो होता है, सब्ट्रैक्शन में नहीं होता है, मल्टीप्लीकेशन में होता है। ठीक, अगली प्रॉपर्टी है, चौथी प्रॉपर्टी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी चेक कर रहे हैं। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या होती है आप लोगों को हम एडिशन वाले में समझा दिए थे, तो अब ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी हम मल्टीप्लीकेशन पे चेक कर रहे हैं। मान लीजिए कोई 2-3 नंबर ले ले रहे हैं, 2 × 3 × 4 ले ले रहे हैं, और यहाँ भी 2 × 3 × 4 ले ले रहे हैं। अब कुछ छात्र जो होंगे वो पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 2 और 3 को कितना आया 6, और ये इंटू, फिर बाद में 6 से 4 को मल्टीप्लाई करेंगे और 6 × 4 जाएगा 24। अब कुछ छात्र जो होंगे पहले 3 और 4 को मल्टीप्लाई करेंगे, तो 3 × 4 जाए कितना हो गया 12। अब फिर इसको जाकर 2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 × 2 = 24। चाहे ऐसे कर लें चाहे ऐसे कर लें, दोनों बार में 24 ही आ रहा है। इसका मतलब यह हुआ कि मल्टीप्लीकेशन में एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होता है, लागू होता है, लेकिन एडिशन में भी होता है। कहाँ नहीं होता था? सब्ट्रैक्शन में नहीं होता था। मैंने एग्जांपल दिया था ना कि अगर हम 5 − 3 − 1 करें, मान लीजिए यहाँ 5 − 3 − 1 करें, कुछ छात्र पहले इसको माइनस करेंगे तो 5 − 3 हो गया 2 − 1, यहाँ आ गया 1। अब कुछ छात्र पहले इसको माइनस करेंगे तो 5 − 3 − 1 पहले करेंगे तो 2 आएगा, 5 − 2 आ गया 3। ये दोनों तो आपस में बराबर नहीं है, 1 तो 3 के बराबर नहीं है सब्ट्रैक्शन में। तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी याद कीजिए जितेश मेरे साथ, एडिशन में तो होता है, सब्ट्रैक्शन में नहीं होता, मल्टीप्लीकेशन में होता है। बताइए किसी किसी छात्र को कोई समस्या हो तो पूछिए। हाँ इसमें
सब्ट्रैक्शन में जितेश कह रहे हैं सिर्फ जीरो प्रॉपर्टी होता है, उसके अलावा कुछ नहीं होता। बिल्कुल सही कह रहे हैं। देखो सब्ट्रैक्शन में कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी नहीं होता, सब्ट्रैक्शन में एसोसिएटिव प्रॉपर्टी नहीं होता, जीरो प्रॉपर्टी होता है मात्र। एकदम सही जो है याद कर दिमाग में बैठा रहे हैं जितेश, इसी तरीके से आप लोग को भी बैठाना है। हो गया, साफ करें, इसको साफ करें जितेश, बताइए। नो सर, सर उतारने इसको, सर उतारने। अरे हम क्या कह रहे हैं, आप अपने तरीके से लिखते रहिए, हम तो बार बार आपको कह रहे हैं, आप अपने हिसाब से ये बातें मेरी समझिए, समझने के बाद हम कुछ देर यहाँ रुक जाएंगे और जो बातें आप समझे हैं उसको अपने हिसाब से कॉपी में नोट कर लीजिए। चलिए नोट करिए अपने हिसाब से। यस सर, कराओ। हो गया। अब देखिए एक प्रॉपर्टी और है जो कि मल्टीप्लिकेशन और एडिशन मिलके होती है, वो हम बता दे रहे हैं थोड़ा सा, वो सिर्फ मल्टीप्लिकेशन में ही होता है और किसी में नहीं होता, इसलिए हम उसको बता दे रहे हैं। छोटी सी है, ज्यादा मुश्किल नहीं है। एक और प्रॉपर्टी होता है जितेश, और इस प्रॉपर्टी को बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। क्या बोलते हैं जितेश? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। इस डिस्ट्रीब्यूटिव का मतलब जितेश ये होता है किसी चीज को डिस्ट्रीब्यूट कर देना, बांट देना, ठीक है। तो जैसे देखो 2 × 5 + 3 है मान लो जितेश, तो ये 2 ना बढ़ जाएगा, दोनों में आएगा, तो 2 का मल्टीप्लाई अपन 5 से भी करेंगे और प्लस 2 का मल्टीप्लाई अपन 3 से भी करेंगे। पिछली क्लास में हमने बताया भी था इसे सॉल्व करना कि हम इस 2 का मल्टीप्लाई दोनों से करेंगे, इसी को डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी बोलते हैं। अब 5 × 10 हो गया प्लस 2 × 3 = 6 हो गया, आंसर हो गया 16। मेरी बात सारे छात्रों को समझ में आई कि नहीं? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी का मतलब है अगर ऐसा मल्टीप्लाई हो तो ये 2 का मल्टीप्लाई 5 में भी होगा और 2 का मल्टीप्लाई 3 में भी होगा। शुरू की क्लासों में मैंने ये चीज आप लोग को बिना बताए, इस प्रॉपर्टी का बिना नाम बताए, ये सब बातें बताई थी, याद है? जब हम मल्टीप्लाई करना सिखाए थे शॉर्ट ट्रिक, तो उसमें बताया था ना कि मल्टीप्लाई करेंगे तो दोनों में मल्टीप्लाई करेंगे, बताया था कि नहीं? यस सर। यस सर। क्या कर रही है? चलिए साफ कर, ठीक है। तो ये 5 प्रॉपर्टीज हैं, 0 प्रॉपर्टी, 1 मल्टीप्लाई करने के बाद 1 ये वाली बात, तीसरी बात प्रॉपर्टी होती है मल्टीप्लिकेशन में एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होती है और मल्टीप्लिकेशन में डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। अब देखिए अगर मान लीजिए 1860 को 5 से मल्टीप्लाई करें, मतलब एक तरीका तो सिर्फ मल्टीप्लाई कर लें, लेकिन हमें पता है इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 1860 + 1860 + 1860 + 1860 + 1860 पांच बार, 1, 2, 3, 4, 5 लिख सकते हैं ना? अरे बताया ना 3 × 5 को 3 × 5 बार लिख सकते हैं, आई बात समझ लें। या हम 5 को कितनी बार लिखें, 5 + 5 + 5 कितनी बार, 1860, देखो 5 को कितनी बार लिख सकते हैं यहाँ पर, 1860 बार जोड़ना पड़ेगा, इतना तो इतने पे तो बॉडी बढ़ जाएगा हमें, 5 को हमें 1080 बार लिखने में यहाँ तो बॉडी बढ़ जाएगा, छोटा पड़ जाएगा वो, है ना, इसलिए हम उधर वाला लिख रहे हैं। बात समझ में आई ना सभी को?
ये हुआ, इसको बोलते हैं रो मेथड से ऐड करना, पता है ना रो मेथड से। और अगर ऐसे करेंगे तो कहेंगे कॉलम मेथड से ऐड करना है, और आप लोग ज्यादातर कॉलम मेथड से ऐड कर रहे होते हो। चलो जल्दी से ऐड करो, ये हो गया जीरो, यहाँ देखो सिक्स छह छह बारह छह अठारह अठारह छह चौबीस चौबीस छह तीस थ्री कैरी एट, ये हो गया चालीस, यहाँ पे हो गया चालीस और चालीस तिरालीस छत्तीस चार, ये पांच चार नौ, 9300 आएगा ऐड करने के बाद। आप करिएगा 9300। और अगर वही हम 1860 को 5 से मल्टीप्लाई कर दें तब भी 9300 आएगा। तो ये करना आसान है या ये करना आसान है? ये करना आसान है, मल्टीप्लाई इसीलिए किया जाता है, मल्टीप्लाई करना ज्यादा आसान है। और इसको तो हम और नहीं कर देते, आप लोगों को सिखाए ना। अब देखिए इस जीरो को भूल जाइए, 6 5 से कितना हुआ 30, यहाँ तीन तीन कैरी दे दीजिए, 5 8 40 40 और 3 43 3 और 4 कैरी दे दीजिए, 5 5 4 9। अब ये जो एक जीरो भूले थे इसको लगाना, अगली बार समझ में। ऐसे भी आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं, सब सिखा चुके हैं। नहीं, इसको बस समझाने के लिए बताए थे कि हम जो है मल्टीप्लाई को बार बार जोड़ के भी कर सकते हैं, लेकिन बार बार जोड़ना बेवकूफी है और मल्टीप्लाई करना असल बनती है। अगर मान लीजिए पार्ले जी आप खाते हैं ना, पार्ले जी वाले में 5 रुपए वाले में कितने बिस्किट होते हैं? पार्ले जी के जो 5 रुपए वाला पार्ले जी आता है उसमें कितने बिस्किट होते हैं? 10 थोड़ी नहीं होते हैं, जितने कितने होते हैं? 20। 5 रुपए वाले 5 रुपए पार्ले जी में कितने बिस्किट होते हैं? जितने 30 बिस्किट होते हैं सर, 15 सर, 13 होते हैं सर, 15। अरे नहीं, हम तो एक दिन खाए थे तो जोड़े थे तो 12 था, हम भूल गए, लेकिन हम बहुत पहले खाए थे, हो सकता है आप कम कर दिया हो। रितेश करें कि 13 रहते हैं, 5 रुपए सर, 20 20 में 7 कोई नहीं, 20 20 नहीं, 20 20 तो नहीं, हम पार्ले जी की बात कर रहे हैं। चलिए आज आप लोग पार्ले जी 5 रुपए वाला खरीदिएगा और पैकेट खोल के उसमें गिनिएगा कितने बिस्किट रहते हैं, ठीक है? देखिए मान लीजिए कि इस वाले पार्ले जी में जितेश की बात मान लेते हैं, 13 बिस्किट रहते हैं मान लीजिए, और हम कहें कि आपके पास 10 पैकेट बिस्किट है, तो आप बताइए आपके पास टोटल कितने बिस्किट है? 130। क्या किया? अगर एक बिस्किट पे 13 है तो दूसरे बिस्किट में भी 13 हो गया, तीसरे में भी 13, ऐसे आपके पास 13 13 टोटल 10 बार, 3 2 5 और यहाँ भी कर लेते हैं, कितना हो गया भाई, 3 2 5 और एक और, पहले पैकेट में 13, दूसरे पैकेट में 13 और, तीसरे पैकेट में 13 और, चौथे पैकेट में 13 और, पांचवे पैकेट में 13 और, छठवे में, सातवे में, आठवें में, नौवे में, दसवें, ऐसे करके 13 13 बिस्किट होगा। आप सबको जोड़े, इसका 13 फिर इसका 13 और जुड़ गया बिस्किट, 26 हो गया, फिर इसका 13 और जुड़ गया बिस्किट, कितना हो गया, 39 बिस्किट हो गया। ऐसे से करें या सीधे सीधे 13 को कितने बार जोड़ा गया है, 1 2 3 4 5 6, तो 13 क्या हो गया, 13 को जोड़ा जा रहा है, ये क्या हो गया, मल्टीप्लिकेट हो गया। कितनी बार जोड़ा जा रहा है 13 को? 10 बार, तो ये जितनी बार जोड़ा जाता है वो क्या हो गया, मल्टीप्लायर हो गया। और इसको हम सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, वेरी सिंपल, 130 आएगा, 13 13 एक जीरो लगा देंगे, तो ये क्या कहलाएगा बताओ, प्रोडक्ट।
क्या कहलाएगा? ऑर्डर। ऑर्डर, ठीक, समझ में आ गया सभी छात्रों को? आया कि नहीं आया? आ गया सर। तो हमको ये वाला तरीका ज्यादा आसान लगा इसके इसके मुकाबले। 13 को 10 बार जोड़ना बहुत ही बेवकूफी का सौदा है, क्योंकि हमको तो टेबल याद है ना। टेबल इसलिए तो मेहनत करके याद किए थे बचपन में कि हमको बार बार जोड़ना ना पड़े, सीधे सीधे जो है गुणा करके मल्टीप्लाई करके बता सके, इसलिए किए थे इतनी मेहनत बचपन में। चलिए आगे बात समझ में, ठीक है। तो मल्टीप्लीकेशन में आप लोगों को ये बातें हमें समझानी थी, अब हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं अगला ऑपरेशन, और वो ऑपरेशन क्या है? डिवीजन। अगला हम आपको डिवीजन के बारे में पढ़ाने जा रहे हैं। डिवीजन का मतलब होता है डिवाइडिंग, डिस्ट्रीब्यूटिंग इनटू इक्वल पार्ट। इसका मतलब होता है डिस्ट्रीब्यूटिंग इनटू मतलब कि कुछ चीज है उसको आपको डिस्ट्रीब्यूट करने का, हिंदी में बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूट करने का मतलब होता है बांटना, आपको बांटना है इक्वल पार्ट में, बराबर बराबर बांटना है। जैसे कि मान लीजिए आपके पास 15 टॉफीज हैं, मेरे पास मान लीजिए 15 टॉफीज हैं, और टोटल जो छात्र आए हैं मेरे पास टॉफी लेने वो है मान लीजिए 5, 5 छात्र आए हैं मेरे पास, टोटल 15 टॉफीज है। अब हमें इस 15 टॉफी को क्या करना है? बांटना है। कितने में? 5 में। और कितना? इक्वल इक्वल। ऐसा नहीं है किसी छात्र को हम ज्यादा देंगे, तो हम हर छात्र को कितना देंगे? 3-3 टॉफी देंगे। 3 इसको दे देंगे, 3 इसको दे देंगे, 3 इसको दे देंगे, 3 इसको दे देंगे, 3 इसको, और ऐसे करके 3-3-6, 3-9, 3-12 और 3-15 ऐसे करके हमारा टॉफी समाप्त हो जाएगा। हमने क्या किया? 15 टॉपिक को 5 इक्वल पार्ट में बांट दिया, 5 इक्वल पार्ट्स में 15 टॉपिक्स को बांट दिया, और इसी बांटने को हम डिवीजन कहते हैं। डिवीजन किसको कहते हैं? आपको पहले से भी पता ही होगा, समझ में आया या नहीं? नहीं आया? आया ना? और डिवीजन एक और चीज बोल सकते हैं, कहते हैं क्या? डिवीजन को हम बोलते हैं रिपीटेड सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लीकेशन को क्या बोलते हैं? रिपीटेड एडिशन, बार बार हम जोड़ते हैं, और यहाँ हम ना अपनी बार घटाते हैं। देखिए कैसे बता रहे हैं। अब मान लीजिए हमारे पास 15 टॉपिक था, हमें 5 में बांटना था, तो हमें 15 को 5 से डिवाइड करना था, तो 15 को चलते 5-5 करके 5 बार कम कीजिए। जैसे मतलब 15 में से 15 था पहली बार में, फिर उसमें से हम कम किए 5 और, नहीं हाँ 15 में से 5 कम किए, कितना आया? 10 आया। तो 10 में से 5 और कम किए तो कितना आया? नहीं कुछ रुकिए, कुछ गड़बड़ हो रही है। अब देखिए 50 को 5 से डिवाइड करें, इसका मतलब 15 में से 5 बार घटाते जा रहे हैं तब तक जब तक कि जीरो ना आए। देखिए 15 में से पहली बार में जब हम 5 घटाए तो कितना आया? 10 आया। फिर दूसरी बार में हम 5 घटाए तो कितना मिलेगा? 5 मिलेगा। और तीसरी बार में जब हम 5 घटाएंगे तो हमको 0 मिलेगा। कितनी बार घटाना पड़ा? 3 बार। इसीलिए इसका आंसर 3 आता है।
आई बात समझ में जितेश? यस सर। हमें 15 को 5 से डिवाइड करने का मतलब हमें 5-5 घटाते जाओ, और तब तक घटाते जाओ जब तक कि, जैसे मान लीजिए हम दूसरा दिखाते हैं आपको, ये देखिए, अगर मान लीजिए हम 63 डिवाइड बाय 7 कर रहे हैं। अब देखिए 63 में पहली बार में हम 7 माइनस करेंगे तो कितना आएगा? 63 में 7 माइनस करो, जल्दी बताओ, 56 आएगा, आएगा ना 56। अब 56 में फिर 7 माइनस करो, दूसरी बार हो गया ये, फिर माइनस करो कितना आएगा? 49। 49 में फिर 7 माइनस करो कितना आएगा? 42। 42 में फिर 7 माइनस करो कितना आएगा? 35 में से फिर देखो यहाँ पांचवी बार चले गए हम, इसलिए हम गिनती लिख रहे हैं, फिर 5 माइनस करो कितना आएगा? 28। फिर हम छठवीं बार में गए, फिर माइनस करो 28 में से कितना आएगा? 21। 21 में से फिर 7 माइनस करो कितना आएगा? 14। 14 में से फिर 7 माइनस करो कितना आएगा? 7। और 7 में से फिर 7 माइनस करो तो कितना आएगा? 0। टोटल 9 बार जाने का, देखो 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार 6 बार 7 बार 8 बार 9 बार, इसीलिए इसका आंसर जो है 9 आता है। 63 को जब 7 से डिवाइड करोगे तो 9 आएगा ना, 7 9 63। मेरी बात सभी को समझ आई कि नहीं? यस सर। अब वही 63 में 7 63 में 7 को कितने बार घटाएं? 9 बार घटाएं, तो अगर हम 7 को 9 बार जोड़ें ऐसे 7 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
और 9। अब हम 63 को 9 बार घटाएंगे तो 0 आएगा। 63 को 63 में 7 को 9 बार घटाएंगे तो 0 आएगा। तो 0 में 7 को 9 बार जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 63 आएगा। इसीलिए यहाँ पर अगर क्या हो गया, 7 × 9 कितना आएगा? 63 आएगा। अगर 63 डिवाइड 7 इज इक्वल टू 9, देन 7 × 9 इज 63। आई बात समझ में? ये मैंने क्या बताया, ध्यान दीजिएगा, मैं यहां पर बताने जा रहा हूं। मैंने बताया इफ मान लीजिए 49 डिवाइड 7 इज इक्वल टू 7, देन 7 × 7 विल बी 49, है कि नहीं? Yes. आई बात समझ में? Yes, sir. इसी तरीके से अगर हम कहें मान लीजिए 64 डिवाइड बाय 64 ना लिखे मान लीजिए 24 ले ले, डिवाइड बाय 3 इज 8, देन 3 × 8 विल बी 20। सुनो, ठीक है, ये डिवीजन में कुछ बातें थी जो आपको समझा रही थी, समझ में आया कि नहीं? आ गया सर। अब जानते हैं डिवाइड में कुछ शब्दावली है, कुछ टर्म्स हैं जिसको हम आपको समझाने जा रहे हैं। ध्यान दीजिए, मान लीजिए हम 16 को 3 से डिवाइड कर रहे हैं, 16 को 3 से डिवाइड कर रहे हैं, ये देखिए सब लोग 16 को डिवाइड कर रहे हैं 3 से। देखो इधर जितेश कहाँ लिखने लगते हो, 3 × 5 = 15, यहाँ कितना बचा? 1। तो इस वाले बीच वाले को हम बोलते हैं डिविडेंड। क्या बोलते हैं? डिविडेंड। जिससे डिवाइड करते हैं उसको क्या बोलते हैं? डिवाइडर। क्या बोलते हैं? डिवाइडर। बाहर में जाता है उसको बोलते हैं कोशिएंट, और जो बाद में ये बच जाता है। समझ में आया सभी को? नोट डाउन कर लो फट से, अगर नहीं याद रहेगा जल्दी से सारे बच्चे कर लो। किसको डिविडेंड कहेंगे, किसको डिवाइजर कहेंगे,
किसको क्वेश्चन कहेंगे और किसको रिमाइंडर कहेंगे। लिख लिया लिख लिया ना? लिख लिया। अच्छा अब जानते हैं आपको हम 10 से और 100 से डिवाइड करने का आसान तरीका बता रहे हैं। मान लीजिए 326 को 10 से डिवाइड करना है, ठीक है, 326 को 10 से डिवाइड करना है तो 320 तक जाएगा। तो जानते हैं कोशेंट हो गया इसका, कोशेंट हो गया इसका 32, रिमाइंडर हो गया 6। हम डायरेक्ट लिख सकते हैं, कैसे लिखा डायरेक्ट पता है? ये देखिए कैसे लिखा होगा, ये 326 है, 10 है, हमें पक्का पता है 10 32 या 320 हो जाएगा और यहाँ 6 बच जाएगा, तो रिमाइंडर हो गया 6, कोशेंट हो गया 32। अगली बार आप हमें खुद बताएंगे, देखिए अगर हम 423 को 10 से डिवाइड करें तो कोशेंट हो गया, कोशेंट हो गया 42 और रिमाइंडर हो गया कितना 3, रिमाइंडर हो गया 3। आया बात समझ में कि नहीं? भूमिका पूर्वी ये बात समझ में आई? 10 3 30 होता है, ये रिमाइंडर है बच्चे, रिमाइंडर क्वेश्चन नहीं है ये। बैठ जाओ ठीक है, ये रिमाइंडर है 3, क्वेश्चन तो 42 है, 42 का 40 होता है। हाँ हाँ वो देखिए अभी बताते हैं, सही था ये पूर्वी कह रही है कि 10 चीज है तो वो होता है बच्चे, ये रिमाइंडर 3 है। देखिए क्वेश्चन में हम 10 का मल्टीप्लाई करेंगे और 42 में 10 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 420 और उसमें फिर रिमाइंडर को जोड़ेंगे तो कितना आएगा 423। देखिए 423 आया कि नहीं, हमेशा याद रखिएगा कोशेंट में डिवाइजर को मल्टीप्लाई करेंगे और उसमें रिमाइंडर जोड़ेंगे तो डिविडेंड के बराबर आएगा। क्या बोला मैंने? बड़ी अच्छा सर, बड़ी अच्छी बात पूछी, देखिए ध्यान से मैंने क्या बोला, यही पे देखिएगा मैंने क्या बोला, डिविडेंड डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर, डिवाइजर को मल्टीप्लाई कर दें कोशेंट में। अरे जगह कम पड़ गई, रुकिए हम फिर से, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर को हम कोशेंट में मल्टीप्लाई कर दें और फिर रिमाइंडर को जोड़ दे। मतलब पहले डिविजर डिवाइजर को क्वेश्चन में मल्टीप्लाई करें और उसका रिमाइंडर जोड़ दें तो वो डिविडेंड के बराबर आएगा। यहाँ देखिए डिवाइजर क्या है 10, 10 को क्वेश्चन क्या है 32 में मल्टीप्लाई करते हैं कितना आएगा और जो भी आएगा उसमें फिर 6 जोड़ दें तो क्या ये डिविडेंड 326 के बराबर आएगा? जरा चेक करिए, 320 प्लस 6 और ये आ गया 326, ये जो है डिविडेंड के बराबर आ गया। आया कि नहीं? मेरी बात समझ में आया कि नहीं? आई बात कुछ भी समझ में? जो 3 था वो रिमाइंडर था, उसको जोड़ते हैं, मल्टीप्लाई तो कोशेंट में करते हैं डिवाइजर का। सभी विद्यार्थी बताइए तुमको ये बात समझ में आई कि नहीं? बताइए। यस सर, यस सर आ रहा है। बताइए अब हम आपको बताने जा रहे हैं
डिवीजन की कुछ प्रॉपर्टीज, क्या बताने जा रहे हैं, कुछ प्रॉपर्टीज डिवीजन की। प्रॉपर्टीज ऑफ डिवीजन, जैसे कि हम लोगों ने एडिशन की कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ी थी, फिर हम लोगों ने सब्ट्रैक्शन की भी प्रॉपर्टीज पढ़ी थी, मल्टीप्लिकेशन की भी पढ़ी थी, अब हम डिवीजन की प्रॉपर्टीज को पढ़ने जा रहे हैं। अब इस पर देखिए, सबसे पहली बात, कोई नंबर है अगर उसको उसी नंबर से डिवाइड कर दें तो हमेशा वन मिलेगा। क्या कहा मैंने, अगर 4 को 4 से ही डिवाइड कर देंगे तो 1 मिलेगा, 69 को 69 से ही डिवाइड कर देंगे तो 1 मिलेगा। बहुत सिंपल सी बात है। दूसरी बात, अगर हम किसी नंबर को 1 से डिवाइड करें तो वही नंबर वापस आ जाएगा। जैसे अगर 65 को 1 से डिवाइड करें तो 65 ही मिलेगा, है ना, सिंपल सी बात है। तीसरी बात कि अगर हम 0 को किसी नंबर से डिवाइड करें, 0 को किसी नंबर से डिवाइड करें 3 से मान लो, तो हमको 0 ही मिलेगा। 0 को अगर किसी भी नंबर से 49 से डिवाइड करें तो हमको 0 ही मिलेगा। आ गई था समझ में? और एक बात आपको मैं बता दूं कि हम किसी नंबर को 0 से ही डिवाइड करते हैं, ये मैथमेटिक्स में नहीं होता। मतलब ऐसा नहीं हो सकता 64 को 0 से डिवाइड करें, ये मैथमेटिक्स में डिफाइन नहीं है, ये मैथमेटिक्स में ऐसी चीजें नहीं आती जिस चीज को हम नकार देते हैं, बर्खास्त कर देते हैं, किनारे कर देते हैं, हम बाहर कर दिए हैं मैथमेटिक्स से। अभी आप इतना समझिए, ठीक है? तो कभी भी 64 को 0 से डिवाइड नहीं कर सकते। जानते हैं क्यों? देखिए, अगर 64 को 0 से डिवाइड कीजिएगा, यहां क्या पढ़िएगा, पढ़ के देखिए, 0 1 जा 0 तब भी 64 बन गया। कोई बोला कि नहीं 0 2 जा 0 फिर भी 64 बोल गया। कोई बोला कि नहीं सर 2 नहीं है तो 3 लिखेंगे, 0 3 जा 0 64 बच गया। अरे कोई कुछ लिख देगा, कोई 1 लिख देगा तब भी सही, कोई 2 लिख देगा तब भी सही, कोई 3 लिख देगा तब भी सही, है कि नहीं? अब कोई बोला नहीं हम यहाँ 5 लिखेंगे तो 0 5 जा 0 64 बच गया। फिर कोई बोला नहीं 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 हम 7 लिखेंगे तो 0 7 जा 0 फिर 64 बच गया। ये लिखिए, अब टीचर के लिए कितनी प्रॉब्लम है, वो 1 को भी सही करेगा, 2 को भी सही करेगा, 3 को भी करेगा। आखिर आंसर है क्या, 1 है कि 2 है कि 3 है कि 4 है कि क्या है, हमें नहीं पता। इसीलिए ऐसी चीजों को मैथमेटिक्स से बाहर कर दिया गया है, ऐसी चीजों को हम एक्सेप्ट नहीं करते, नहीं मानते। आगे मेरी बात समझ, सभी को समझ। तो कभी भी आप देखिए, कभी भी किसी नंबर को आप कभी भी 0 से डिवाइड नहीं करेंगे, और कहीं भी अगर ये लिखा हुआ पाए तो आप सीधे उसको काट दीजिएगा। 64 डिवाइड बाय 0 लिखा है, मान लीजिए 25 बाय 0 लिखा है, आप सीधे से काटिए और बोलिए कि ऐसी चीजें अभी हमारे किताब में, हमारे बुक में, हमारे मैथमेटिक्स में नहीं, ठीक है ना? चलिए, तो यही बस डिवीजन में यही रोल है। तीन बातें, किसी नंबर को उसी नंबर से डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा, किसे नंबर को 1 से डिवाइड करेंगे तो नंबर आएगा, और 0 को किसी भी नंबर से डिवाइड करेंगे तो 0 आएगा, और चौथी बात, हम किसी भी नंबर को 0 से डिवाइड नहीं करें। ये चार बातें बताई। डिवाइड करना सभी को आता है? बताइए, किसी कोई ऐसा छात्र जिसको डिवाइड करना ना आता हो? सर आता है। आता है, अगर मान लीजिए 3 बुक्स आप लेके आए और आपको देना पड़ा 24 रुपीज, तो आप मुझे बताइए एक बुक कितने की होगी? सारे लोग, अगर 3 बुक आप लेके आए और 24 रुपीज के हुए तो एक बुक कितने का होगा? हाँ,
एट रुपए क्या किया, कैसे निकाला? डिवाइड देखिए, तीन बुक 24 रुपए में, 24 रुपए में कितने बुक आए हैं? तीन बुक, मतलब ये 24 रुपया तीन बुकों में बटा है। बांटा क्या है, डिवाइड किया गया है ना, अभी तो बताया था बांटा गया है, और इक्वल इक्वल बटा होगा। ऐसा तो नहीं कि एक तो एक बुक ज्यादा महंगी होगी, एक बुक सस्ती होगी, तीनों एक ही बुक है। तो हमको क्या करना है, 24 को तीन भागों में बांट देना, 24 को तीन भागों में बांट देना, और पूरा ऐसा बांटना है कि समाप्त हो जाए, ठीक है। तो 8 इधर दे देंगे, 8 इधर दे देंगे, और 8 इधर दे देंगे, तो 8 8 16 और 24, तो 8 रुपए का ये वाला बुक हो गया, 8 रुपए का ये वाला बुक हो गया, 8 रुपए का ये वाला बुक हो गया, ठीक है ना। क्या करना पड़ा, डिवाइड करना पड़ा। तो 24 को हम 3 से क्या कर रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं, 3 8 जा 24, इसका मतलब जो 8 है ये एक बुक का दाम है, ठीक है ना। या वैसे भी अगर आप सब्ट्रैक्ट करेंगे 24 को, 24 में 3 3 माइनस कीजिए और देखिए कितने बार में माइनस होता है, 0 पहुंचता है, तो आप पाएंगे कि 8 बार में होगा। देखिए पहली बार में 3 माइनस करेंगे तो आएगा 21, दूसरी बार में 3 माइनस करेंगे तो आएगा 18, तीसरी बार में माइनस करेंगे तो आएगा 15, चौथी बार में करेंगे तो आएगा 12, पांचवी बार में करेंगे तो आएगा 9, छठी बार में करेंगे तो आएगा 6, सातवीं बार में करेंगे तो आएगा 3, और आठवीं बार में करेंगे तो आ जाएगा 0। तो टोटल आपको 8 बार माइनस करना पड़ेगा, ठीक है। समझ में आ गया सभी को, बताते नहीं है आप लोग? यस सर, यस सर, ठीक है, आ गया। उसके बाद हम आपको कुछ क्वेश्चन बता रहे हैं, उसके बाद एक और चीज बतानी होगी, बोर्ड मास बोर्ड, और फिर ये चैप्टर भी समाप्त हो जाएगा। देखिए पेज नंबर 70, एक्सरसाइज 3.1 बुक में देखिए, देखो बुक में, बुक ले लाए हो, तुम्हारी बुक मेरे पास है, चलो अभी देख लेना। एक्सरसाइज 3.1 देखिए कि तुम्हारी बुक कुछ लिखे हो फिर बुक में, ये नहीं है ना,
नाम लिखे थे, कहाँ लिखा है नाम, ये वाली नहीं है, चलो मेरे उसमें होगी, ले लेना फिर, ठीक है याद से ले लेना, ठीक है। अब देखिए पेज 70 के एक्सरसाइज 3.1 देख रहे हैं, देख करने जा रहे हैं। 3.1 में पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है, देखिए, कन्वर्ट इनटू सेम यूनिट्स एंड ऐड। अब बोला 400 टेबल में 300 चेयर, पहले तो टेबल को चेयर बना सकते हैं हम, ये तो क्वेश्चन ही हमको समझ नहीं आ रहा है। तीसरा तो हम कर देंगे एक में, या तो टेबल और चेयर को ऐड करना है, या तो चलिए इसी क्वेश्चन का तीसरा देखिए, पहला दूसरा को अभी आप छोड़ेंगे, तीसरा हम बता रहे हैं, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का तीसरा वाला हम बता रहे हैं, ठीक है। क्या लिखा हुआ है, 2.5 लीटर में आपको जोड़ना है सेवन हंड्रेड मिली लीटर। जैसा कि आप जानते होंगे कि 1 लीटर में कितने मिलीलीटर होते हैं, 1000 मिलीलीटर होते हैं, पता है जितेश, पता है ये बात, पता है कि नहीं, 1 लीटर में 1000 मिलीलीटर होता है, पता है सभी को, भूमिका पूर्वी, यस सर। तो 1 लीटर में इतने मिलीलीटर होते हैं, तो इसको हम लीटर से मिलीलीटर में बदलते रहे, या इसको मिलीलीटर से मीटर में चेंज करें, एक ही बात है। अब देखिए हम इसको उल्टा लिख रहे हैं, क्या लिख रहे हैं, 100 मिलीलीटर में 1 लीटर होता है, तो बताइए 1 मिलीलीटर में कितना लीटर होता है, छोड़िए ये आप कंफ्यूज रहिएगा, आप तो क्या कीजिए कि लीटर को मिलीलीटर में बदल दीजिए और फिर ऐड कर दीजिए, तो 1 लीटर में 100 मिलीलीटर, तो 2.5 लीटर में कितना मिलीलीटर होगा, एक में 1000 है तो 2 में कितना होगा, 2000, 3 में कितना होगा, 3000, क्या कर रहे हैं, 1000 में 3 से गुणा कर रहे हैं, मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो 2.5 लीटर में क्या करना पड़ेगा हमको, 1000 में किसका मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 2.5 का, ठीक है ना, सभी को ये बात समझ में आ रही है। अब मल्टीप्लीकेशन आता है इसका, इसका मल्टीप्लीकेशन आता है, डिवीजन जब डेसिमल होगा तो आता है मल्टीप्लाई करना, कुछ नहीं करते हैं बस 25,000 और एक के बाद आके यहाँ पे डेसिमल लगा दी, यही तो करते हैं, तो ये कितना आ गया 2500 मिलीलीटर, मतलब 2.5 लीटर कितने के बराबर हो गया, 2500 मिलीलीटर, आप दोनों को जोड़ दो, तो क्या करो 25 मिलीलीटर ये हो गया और ये हो गया 700 मिलीलीटर, अब दोनों को जोड़ोगे तो 25 में 7 ये 0 0 हो गया और 7 5 12 2 1 32 मिलीलीटर हो, बात समझ में आई सभी को, बताइए समझ आए कि नहीं, पूर्वी भूमिका और कुछ बच्चे yes, और को दिखी नहीं रहे, और बच्चे हमको दिखी नहीं रहे, नीचे चले गए। अब इसी क्वेश्चन का पहले का चौथा पार्ट देखिए, चौथा पार्ट लिखा हुआ है 5 सेंटीमीटर को 5 मिलीमीटर में जोड़ना है, 5 सेंटीमीटर को 5 मिलीमीटर में जोड़ना है, आपको पता है कि 1 सेंटीमीटर में कितने मिलीमीटर होते हैं, बताइए कितना होता है मिलीमीटर, टेन, 1 सेंटीमीटर में कितने मिलीमीटर होते हैं, 10 मिलीमीटर, आता है कि नहीं आता है, नहीं आता क्या, लो देखो पहले होता है मिली, फिर होता है सेंटी, नोट डाउन करो, जिसको नहीं आता नोट डाउन करो, सबसे पहले होता है मिली,
फिर होता है सेंटी, ठीक है, फिर होता है डेसी, फिर होता है मीटर, लीटर जो भी हो, मीटर हो मान लीजिए या लीटर हो, मिलीमीटर में हो, मिलीलीटर में हो, एक ही बात है, कुछ भी हो सकता है। मीटर में होगा तो हम लेंथ नापेंगे, कपड़ा नापेंगे, लीटर में होगा तो हम दूध दूध नापेंगे, है ना। उसके बाद होता है डेका, फिर होता है हेक्टो, फिर होता है किलो। आई बात समझ में सभी को? अब जैसे अगर हम बोलें कि भाई 1 सेंटीमीटर में कितने मिलीमीटर, तो सेंटी की जगह 1 बनाओ और यहाँ 0 लगा दो, कितना हुआ 10 मिलीमीटर। भाई अगर हम कि 1 मीटर में कितना मिलीमीटर, तो मीटर की जगह 1 लगाओ और बाकी जगह 0 0 लगा दो, तो 1 मीटर में कितने मिलीमीटर हो गए, 1000 मिलीमीटर। आई बात समझ में कि नहीं? भाई अगर हम बोले 1 डेसीमीटर में कितना होगा, 1 डेसीमीटर में कितना होगा 100। अगर हम बोले 1 डेसीमीटर में कितना मीटर होगा, कितना मिलीमीटर होगा, तो 1 लगाया और इसमें आगे 0 0 लगा दिया, तो कितने हो गए 100 मिलीमीटर हो गए। आई बात समझ में सभी को? यूनिट वाली बात समझ में आई? शिव रोहित बताओ। हाँ बोलो, क्या बोलना चाहते हो? सर इसे होता है, इसको क्या करें? सर प्लीज सर, क्या करें सर? प्लीज सर, सर हटना, सर उतार ले। अच्छा, हटे ये वाली चीज, उतारो, ये तो दिख रहा होगा, उतारो। क्लास कितने बजे शुरू होगी? बस ये खत्म होने वाली क्लास, 10:30 बजे फिर चलेगी। नहीं, मुश्किल से 10 मिनट और चलेगी, खत्म कर देंगे। नहीं चलेगी सर उसके बाद? इसके बाद तुम्हारी कौन सी पीरियड होती है तुम जानो? क्या कौन सी पीरियड होती है इसके बाद? इंग्लिश होगी सर। 10:30 बजे सर, 10:30 बजे तो आपकी होती है सर, ज्योग्राफी की होती है आप वाली, आप वाली। कितने बजे होती है? 10:30 बजे सोशल साइंस होती है। सोशल साइंस वाले सर आज क्लास नहीं लेंगे, उनकी तबीयत अच्छी नहीं है, तो जो आज नहीं लेंगे, तो जो सोशल साइंस वाली क्लास है आपकी वो नहीं होगी, उसके अलावा सारी क्लासें होंगी। ज्योग्राफी और साइंस की नहीं होगी? साइंस की होगी। देखिए, जो जो भी क्लास आपकी मुजिद सर रहते हैं वो क्लास नहीं होगी, क्योंकि मुजिद सर की तबीयत खराब है, बस। जो जो क्लास आपकी मुजिद सर लेते हैं वो वाली क्लास नहीं होगी, उसके अलावा जो और टीचर लेते हैं वो क्लास होगी, क्योंकि और सारे आ गई समझ में बात? अब मुजिद सर आपकी कौन सी क्लास लेते हैं आप बताइए? वो वाली क्लास नहीं होगी आपकी, बस आसान सिंपल सी बात है। सर 10 बजे मैं अभी आपका क्लास थोड़ा सा और 5 मिनट और दीजिए, ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। 5 मिनट यहाँ पे रुके रहिए, 5 मिनट में आपको छोड़ देंगे। देखिए, तो ये मिली सेंटी डेसी समझ में आया? हाँ, आप घबराएं, हम आपको जल्दी छोड़ेंगे, थोड़ा सा समय दीजिए। अब 5 सेंटीमीटर में कितने मिलीमीटर हो जाएंगे? 5 × 10 मिलीमीटर हो जाएंगे, ये कितने हो गए 50 मिलीमीटर। तो ये हो गया 50, 5 सेंटीमीटर अपना लिख के हम 50 मिलीमीटर लिख रहे हैं,
और ये 5 मिलीमीटर पहले से है, तो अब इसको जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 5 और 55 हो जाएगा, 55 मिली। ये समझ में आया सभी को? यस सर। ये समझ में आया? तो इस तरीके से आप एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 1 का तीसरा और चौथा करेंगे, होमवर्क है आपका, ठीक है। क्या है होमवर्क, क्या लिख रहे हैं होमवर्क? आज की डेट का होमवर्क है पेज, कौन सा पेज है भाई, 17 का क्वेश्चन नंबर 1 का तीसरा पार्ट और चौथा पार्ट, और पूर्वी इसको क्या नाम है, गौरवेंद्र को जो है इस पेज का फोटो खींच के भेज देना, ये रोज रोज जो है इसका रहता है कि हमारे पास बुक नहीं है, ये नहीं है, तो अब इसको कोई शिकायत का मौका ना मिले, जरूर से भेज देना, ठीक है सर। पूर्वी से पूछ लो, पूर्वी तेरा बात का नंबर जोड़ लिया? जोड़ूंगी, कर लेगी वो, तुम्हें भेज देगी, तुम्हारे तक पहुंच जाएगा पूर्वी किसी भी तरीके से, तुम्हारे मोबाइल नंबर तक ये पेज का फोटो खींच के भेज देगी, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 हम कराने जा रहे हैं आपको, ध्यान दीजिएगा, आपके बुक में क्वेश्चन नंबर 2 लिखा हुआ है, व्हाट विल बी योर आंसर, पहला बार 1600 मोर देन 5400, मतलब अगर 5400 में अगर 1600 और कर दें तो कितना होगा, मतलब हमको सिंपल क्या करना है, 5400 में 1600 को क्या कर दें, जोड़ दें, आई बात समझ में, इतना होगा, क्या कह रहा है, 1600 मोर देन 5400, 5400 में 1600 मोर कर दें तो क्या होगा, तो 5400 में 1600 मोर करने का मतलब उसमें 1600 जोड़ देना, और जोड़ने के बाद आएगा 1700, तो यही हो गया आंसर, आई बात समझ में कि नहीं। दूसरा लिखा हुआ है 12,000 लेस देन 32,000, मतलब कि 32,000 में 12,000 प्लस कितना होगा, माइनस कर देंगे, 32,000 में 12,000 का माइनस कर देंगे, 0000 और 3 में से हो गया, तो ये हो गया आपका आंसर सर। बस ऐड करना है, कुछ नहीं करना, तो पहले वाले में ऐड करना है, दूसरे वाले में माइनस करना है। तीसरा देखिए क्या लिखा हुआ है, 20 times of 150 लिखा हुआ है, मतलब कि 150 का 20 गुना कितना होगा, 20 गुना मतलब उसमें 20 का मल्टीप्लाई कर देना है, ये हो गया आंसर खत्म। पांचवा देखिए, चौथा आप खुद करेंगे, पांचवा हम बता रहे हैं, क्या लिखा हुआ, सेवेंथ पार्ट ऑफ 560, मतलब कि अगर हम 560 में 7 भागों में उसको बांटें तो कितना होगा, तो मतलब हमको 560 को 7 से क्या करना है, डिवाइड करना है, तो 7 8 56 और 0, और देखा कैसे डिवाइड किया मैंने, मल्टीप्लाई कर दिया 7, हम सोच लिए कि कैसे सर, हमने ये कर दिया, कैसे इसको काटेंगे, 7 8 56 0 लगा दिया, समझ में आया कि नहीं, आप चाहें तो डिवाइड भी कर सकते हैं, 1, 2 और 4 समझा दो, हैं वन बताए तो, 1600 मोर देन 5400, मतलब फर्स्ट क्वेश्चन का, फर्स्ट क्वेश्चन वन और टू, आप वन और टू, नहीं नहीं सुनिए, फर्स्ट क्वेश्चन में आपको तीसरा और चौथा ही करना है बस, पहला दूसरा हम नहीं बताएंगे अभी, कल बताएंगे, उस क्वेश्चन में हमको लग रहा है क्वेश्चन में कुछ गड़बड़ी है, उस क्वेश्चन में आपकी किताब में मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ गड़बड़ी है, इसलिए आप पहला दूसरा छोड़ के तीसरा और चौथा करेंगे, आई बात समझ में पूर्वी? यस सर। तो बस आज के लिए इतना ही करते हैं, इसी तरीके से आप 12 के 12 करेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 का 12 करेंगे टोटल, और नहीं समझ में आएगा तो हमसे पूछेंगे, होमवर्क लिख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 1 का तीसरा और चौथा,
और क्वेश्चन नंबर टू का पूरा टोटल कितने हैं 12 हैं इसके अंदर। सर सिक्स और समझा दो। अच्छा बता देते हैं टोटल 12 क्वेश्चन है, 12 इसके दो पहले तो टोटल 14 क्वेश्चन आपको करना है। सिक्स हम बता देते हैं, सिक्स लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है भाई? से क्वेश्चन एंड रिमाइंडर ऑफ, सिक्स लिखा हुआ है, सिक्स लिखा है कि क्वेश्चन बताना है और रिमाइंडर बताना है किसका, जब हम 2530 को 10 से डिवाइड करेंगे तो बस कर लो, 2530 को 10 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 10 2 20 5 हो गया और ये 3 यहाँ उतर गया 53 हो गया, 10 5 50 ये 53% यहाँ बचा 3 और ये 0 यहाँ उतर गया और 10 3 30 ये 0 0। तो ये आपका हो गया क्वेश्चन, यही बताना था, क्वेश्चन बताना था और रिमाइंडर बताना था, तो रिमाइंडर ये हो गया। तो आपका आंसर क्या हो गया कि क्वेश्चन इज इक्वल टू 253 एंड रिमाइंडर इज इक्वल टू 0। और 10 से डिवाइड करने वाला तो हम अभी आपको बताए थे, हम इतना करेंगे भी तब भी लिख देंगे, क्या लिखेंगे अभी बताए थे ना, क्वेश्चन इज इक्वल टू, अभी बना रहे थे आप लोग को याद कीजिए, क्वेश्चन इज इक्वल टू 253 और रिमाइंडर इज इक्वल टू 0। सर ये और यहां 10 वाला भी समझा दो, चौदह ऋण आठ ये हिंदी में लिख दिया है, देखिए मल्टीप्लाई को गुणा बोलते हैं और एडिशन को जोड़ बोलते हैं, सब्ट्रैक्शन को भगित बोलते हैं और ऋण किसको बोलते हैं, ऋण हिंदी मीडियम में पढ़ा, क्या बोल किसको बोलते हैं, घटाने को बोलते सर, घटा यस सर, घटाओ को बोलते हैं। तो बस कुछ नहीं करना है, 14 में से 8 घटा देना है, आई पुर भी समझ में, मैं हिंदी के में मैं तो आपसे भी कमजोर हूँ, मैं हिंदी मीडियम में नहीं पढ़ा हूँ तो मैं ऋण मुझे नहीं पता, ऋण शायद घटाओ को बोलते हैं है ना, यही ना जितेश, ऋण किसको बोलते हैं, घटाओ बोलते हैं, घटाने को बोलते हैं, धन किसको बोलते हैं, धन किसको बोलते हैं, कौन बताएगा सर, जोड़, जोड़ने बारह धन पांच मतलब 12 17 है, ठीक है। तो बस हम क्लास की समाप्ति कर रहे हैं, टाइम बहुत ज्यादा हो गया है, तो आप लोग जो है खूब अच्छा खाइए पीजिए, सुबह उठ के व्यायाम कीजिए, ठीक है चैटर, सुबह उठ के व्यायाम कीजिए, अपने मम्मी पापा का ख्याल रखिए और खूब पढ़ाई कीजिए, धन्यवाद।